देखियो वृंदावन से और पनवेल से आगे जो अपर पनवेल एरिया में बन रहे हीरानंदानी टाउनशिप का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट से एकदम पास में 5 मिनट डिस्टेंस उधर से हम लोग पूरा अम्यूनिटीज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। 16 एकड़ में 2000 फ्लैट का टाउनशिप प्रोजेक्ट बना रहे, 350 फ्लैट बना के पोजिशन दे दी है ऑलरेडी और 550 फ्लैट का नियरिंग कम्प्लीशन में ही है। इट्स नॉट लाइक एनी अदर प्रोजेक्ट्स। 25 साल से हम लोग काम कर रहे तो ग्रुप का दोनों मिला के इज मोर देन 30,000 कस्टमर्स। देखियो आप प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ले लीजिए, आप तो इन्वेस्टमेंट है, सबका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको जो मेहनत वाला पैसा जैसा जगह पर इन्वेस्ट कर लीजिए आपका मनी का वैल्यू होना चाहिए। आज का इन्वेस्टमेंट आपका अप्रिसिएशन भी अच्छा होना चाहिए जैसे इन्वेस्ट कर लीजिए, फ्यूचर डेवलपमेंट का हिसाब से कर लीजिए। ऐसे मैम हमारा प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए हमारा प्रोजेक्ट में आजू बाजू में सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एरिया में बहुत बड़े बड़े लोग आया, किरानंदानी गोदरेज वादुआ और भी बड़े बड़े लोग आ रहे। अभी उन लोगों का प्रोजेक्ट से कंपैरिजन करेगा तो हमारा जो प्राइस अप्रॉक्सीमेटली हाफ प्राइस में ही है, बट हमारा भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सब अम्यूनिटीज हम लोग दे रहे हैं। अभी आज भी हमारा ही मानना है आज जो भी कस्टमर्स उधर इन्वेस्ट करेगा उनका इन्वेस्टमेंट जरूर 2 साल बाद में नहीं तो 3 साल बाद में डबल हो जाएगा, नहीं तो आज जो बड़े बड़े नए वाला बिल्डर का प्राइस का इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए इज़ ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड बिकॉज ऑफ नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई मुंबई एरिया इज ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है तो डेवलपमेंट पनवेल का आगे जो बेल्ट में ही होने वाला है। यस एंड पनवेल का लोकल ट्रेन स्टार्ट होने वाला है, वंस लोकल ट्रेन स्टार्ट होने के बाद में इट्स हार्डली 12 to 30 minutes ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम पनवेल। एंड और MSRDC का बहुत बड़ा डेवलपमेंट एरिया में आ रहा है, स्पाइन रोड करके एक नया डेवलपमेंट अभी प्रपोज किया, दैट फ्रॉम पलसवा टू खालापुर समवट लाइक पाम बीच रोड दिशा एक रोड बनाने का प्रपोजल से, वंस इट इज़ कम्प्लीटेड देन डेवलपमेंट नई पाम बीच रोड के कारण से नई मुंबई जैसा डेवलप हो गया 15 साल पहले जैसा डेवलपमेंट आगे भी हो जाएगा। और MDHL से हार्डली 45 मिनट्स टू 1 आवर टाइम में आपको उधर से साउथ मुंबई पहुँच सकते हैं। सबसे इज वन ऑफ द वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इज अ फ्यूचर डेवलपिंग एरिया अपर पनवेल। नई मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें।